साथियों, लोहिया साहब के एक वक्तव्य से मैं कार्यक्रम की को आगे बढ़ाऊंगा कि यदि सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और ये भी बात है कि जो सड़क कंट्रोल करता है वही संसद भी कंट्रोल करता है। साथियों, आपके बीच तीन पीढ़ी के लीडर्स हमारे बीच हैं जिन्होंने न तो सड़क को सुनसान होने दिया न संसद और विधानसभाओं को आवारा होने दिया। हमारे वरिष्ठ लीडर शरद जी हमारे बीच है, सेकेंड जनरेशन में रखेंगे। अली अनवर साहब हैं जिनकी लेखनी भी बोलती रही है, धर्मेंद्र भाई और जिग्नेश भाई और पंकज भाई, ये हमारी पीढ़ी के लीडर हैं जिन्होंने हमारी आवाज को सड़क से लेके संसद तक बुलंद किया है। साथियों, आइए, ये इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आपके साथ हूं। तो साथियों, मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है कि ऊना, सहारनपुर, आसिफा और नजीब और रोहित बमूला और रोस्टर, ये सब घटना नहीं है, संकेत है, सब में तारतम्य बना हुआ है। एजेंडा 2019 तय होना है और ये भी तय होना है कि लोहिया जी के जयंती के साथ और अंबेडकर जी के जयंती के साथ परशुराम जी का जयंती मनेगा कि नहीं मनेगा, ये भी तय होना है।